सम्राटों का सम्राट सोनपुर सम्राट के बाबू ब्रजेश यादव के साथ मैं मनीष यादव कैमरामैन आज का चुनावी माहौल का जायजा लेते हुए आज रामविलास पासवान का निधन हो गया है, आपका इस पर क्या कहना है? रामविलास पासवान एक अच्छा समाज सेवक नेता थे, मगर वो एक मौसम वैज्ञानिक खिलाड़ी ने कहे थे वो जिधर संख्या ज़्यादा होता था उधर चले जाते थे। उन पर मैंने एक बहुत बढ़िया शायर लिखा गया है कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जिधर संख्या ज़्यादा था उधर उठक जाते थे। इसीलिए कहा गया है उनके लिए कि भगवान उनको अपने आत्मा को स्वर्ग और नरक के बीच में रखें, क्योंकि ज़्यादा संख्या जिधर होगी उधर खुद लुढ़क जाएंगे। रामविलास का सोच यही है, नहीं यही है सोच। चिराग पासवान उनका लड़का है जो फिल्म में काम करता था, बहुत बढ़िया था। लेकिन सुन रहे कि वो अब एनडीए पार्टी में के साथ है, गठबंधन तोड़ दिया है, अब अपना पार्ट दम पर लड़ रहा है। हमको नहीं लग रहा है कि 4-5 सीट लेगा, 2-4 सीट जीतेगा चाहे नहीं जीतेगा। अच्छा, तेजस्वी जी का नाम सुने बिहार में बहुत चर्चा हो रहा है, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं कि नहीं? लालू जी के बेटा है, राबड़ी जी के भी बेटा है जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनका माँ भी रही है और पिता भी रहा है और बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। बहुत बढ़िया नेता है, युवा नेता है, उनको नेता बनना चाहिए। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे राजा साथियों, मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाइए, क्योंकि नई योजना नई प्रांत के दीप जलाएंगे, अपने बिहार के कोना कोना को चमकाएंगे, सभी जनों सभी वर्गों को प्यारे पाएंगे तो हम भारत भर के युवा सम्राट कहलाएंगे। हम मानिए तेजस्वी जी की सरकार बनाएंगे, इस बार लालटेन जीतेगा और भारी मतों से जीतेगा।